बांधो बांधो अच्छे से बांधो बांधो अच्छे से मम्मी बाल अच्छे से कर दो। मैं रेडी हो रही हूँ, मतलब आज मुझे रेडी कर रही, बाल कम कर रही है मेरे, अब इसको लेकर रेडी करके रेडी होकर आ जाएंगे आज कुमारी के। कल का प्रोग्राम था आपको पता ही, किसी तबियत ठीक नहीं गए नहीं, अभी जाएंगे थोड़ी देर तक, और फिर जल्दी भी आने के लिए उसको कोर्ट जाना है मुझे से मिलने के लिए। तो रेडी कर लेते हैं, तो हो गए नहा धो के रेडी, मैं जैसे जाऊँगी नहा कर ना कपड़े धोने ना, तो आज के हम नहीं होते गाइस। हम आ चुके हैं बाहर बाबू किले के मीटिंग रूम, क्योंकि हम इसको हम सब बता रहे थे मैगनी से, बहुत टाइम हो गया कुछ खाया नहीं इसने मैगनी को, तो हम सोचा सब खा दे। आशु देख के जा रही है ऑर्डर का वेट कर रही है। क्या खाएगा आशु? सॉफ्टी खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, क्या खाएगा? बीमार हो गया, इतनी जल्दी जल्दी लग रही है, गर्म बहुत है, बर्गर पता नहीं है इसको, मुंह जल जाएगा। आलू टिक्की वाला बर्गर बहुत टाइम हो गया नहीं खाए। अब है आशु की सॉफ्टी की सॉफ्टी, इतनी खुशी है आशु को आइसक्रीम खाने की। तो गाइस हम निकले थे घर जाने के लिए, बट यहाँ पे रास्ते में बारिश होने लगी, तो हम लोग यहाँ पर आ गए, तो बहुत तेज बारिश होने लगी, चलो तो हम तो गीले हो जाएं कोई बात नहीं। मैं आशु बीमार भी है और बीमार जाती है, तो हमने सोचा यहाँ मॉल में आ जाते हैं, पास में ही था मॉल, ये दूसरे मॉल में हम आ गए। और ये एस्केलेटर पे से घूमना इतना अच्छा लगता है, अब तक इसे मैंने 20 बार ऊपर से नीचे घुमा चुके हूँ। मैंने बोला मैं तो थक गई आशु, अपने पापा को ले जा बस, तब अपने पापा घूम रही है ऊपर नीचे, पता छोटे बच्चे डरते हैं ऊपर चढ़ने, ये तो होता है ना स्टार्टिंग में पैर रखे भाग लग जाती है, मेरे को छोड़ दो मैं ऊपर जाकर चढ़ूंगी आराम से, मम्मा जा रही है, और बारिश में छप 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 करके भागे जा रही है मम्मा। तो गाइस हम लोग घर पे पहुंच गए, ये रही मेरी आंसू सोई सोई कर रही है, मतलब वहाँ पे मस्ती खूब किया। फिर हम गए थे बाबूजी मोमोज खाने के लिए, बट वो क्या है ना बंद था, मैंने ऑनलाइन चेक किया तो जो ओपन टाइम है उसका 2 बजे था, तो बोला 2 बजे तक कहीं ऐसे वेट करेंगे, फिर 1 बजे को वहाँ पे भी जाना है, कोर्ट में जाना है, वकील वेट कर रहे हैं, उनसे बात बात करना होता है ना भाई, खुद का काम है तो खुद ही देखना पड़ेगा जाकर। तो बस हम फिर जल्दी जल्दी आ गए थे, 10:30 निकले थे और मैं भी वहाँ 12:30 निकल गए थे, आधे घंटे में हम यहाँ पहुँच गए सेक्टर 1 गए थे। तो बस हम लोग आ गए हैं और थोड़ा सा मैं थक गई हूँ, तो मैं थोड़ा सोऊंगी, तब तक ये भी आ जाएंगे और आशु भी देख जाएगी, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर कल से काम पे जाना है, क्योंकि आज मैंने ऑफ लिया था, मुझे लगा कि क्या पता अभी ठीक ना हो तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और ये जो है ना डॉक्टर चाचा मनोज के दवाई से जैसे मैं ठीक होती हूँ ना आशु भी ठीक हो जाती है, तो जैसे लूज मोशन कल से लग रखे थे ना तो बंद हो गया, अब नहीं हो रहा, बट 1-2 हो ना खुराक, मतलब डोज 1-2 और डोज दे दूँगी ताकि अच्छे से ठीक हो जाए, फिर दोबारा से लूज मोशन स्टार्ट हो जाए इसके। तो बस आज के ब्लॉग में गाइस इतना ही, फिर मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बाय, टेक केयर।